आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपने उस पर कंप्लेन करनी है, साइबर आर्मी उसके अगेंस्ट आपको आपके जो रेलिवेंट रिजल्ट है वो गेन करके देती है। अगर किसी के व्हाट्सएप पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, खर्चा नहीं है इसकी, पाकिस्तान ने अपनी साइबर आर्मी बनाई है, उसकी जॉब्स भी आना शुरू हो गई हैं, उसमें हैकर्स को ही जॉब मिलती है। उसके अंदर आपके साथ व्हाट्सएप पे कोई ऐसी वैसी हैंकी बैंकी हो, आपका फेसबुक अकाउंट है किसी ने सेम एज इट इज वैसा ही फेसबुक अकाउंट बनाया हो, फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है आजकल की यूथ माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितना आपका सुसाइड अटैम्प्ट रेट सिर्फ साइबर क्राइम की वजह से या वैसे ही उन तो पाकिस्तान में कोई मरता नहीं जब भुख ना पई होगा, लेकिन ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आजकल आपका सुसाइड अटैम्प्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। रिसेंटली आपके इसी गुजरांवाला में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक लड़की ने जो सुसाइड अटैम्प्ट, वो कैसे क्या क्या वो सारे का सारा इन टास्क के बाद आपको समझाता हूँ, और आपने उससे बी अवेयर रहना, ऐसी किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करनी। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं कि अपने आप को सिक्योर करें, वो गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, फिर गवर्नमेंट के साथ साथ हैकर्स इन्वॉल्व होते हैं, हैकर के साथ साथ आपकी पाकिस्तान की जिसको बापू बोला जाता है आई एस आई वो इन्वॉल्व होती है, और उस बंदे को कहाँ से कहाँ पे किया जाता है ना आज तक उस बंदे को पता चला है ना उसकी घर वालों को पता चला है, ठीक है। तो वो तीन चार स्टेप्स हैं जिसमें आपने अपना केस पुट करना है, वो केस की नेचर के हिसाब से केस आगे साइन किया जाता है। पहले तो साइबर आर्मी के पास ही आता है, साइबर आर्मी मतलब हैकर्स होते हैं, वो उसको ट्रेस करते हैं कौन कौन कैसे कैसे हुआ, फिर बाद में जिस बंदे ने वो कार्रवाई डाली हो, ये फेसबुक का है, फिर यहाँ क्लिक करोगे आपको ये लगता है कि अरबी उर्बी में आ गया, आपने उर्दू उर्दू लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देते हैं, हैकर के पास आपका पासवर्ड चला जाता है। अब ये लिंक बनता कैसे है, अभी तो यहाँ पे आई पी आया लेकिन हम यहाँ पे आई पी नहीं देते, इसको कन्वर्ट करते हैं URL के अंदर, आप उस पर क्लिक करते हो, आपकी 26 साल के बाद ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, वो 26 साल तो बाद देखा ना, से 18 साल की उम्र क्लिक कर देंगे हो ना, 26 साल आते हैं तो ना वो फिर बाद में यही कार्रवाई पड़ रही है, ठीक है। दूसरा सिस्टम हैकिंग वो हम बाद में करते हैं, अभी कोई भी आ जाए यार आप एक ही एंटर करी, ओरिजिनल ना एंटर कर दी, मेरा दिल लिखा abc.com यार बड़ी प्राइवेसी है, facebook.com जो भी आपका @gmail 90% लोगों ने अपने मोबाइल नंबर पे ये बनाया हुआ फेसबुक आईडी, उससे भी कार्रवाई बड़ी जल्दी पड़ती है। आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है और आपका जो दोस्त है उसको पता है कि इसका मोबाइल नंबर से वो ट्रेस आउट करता है, हम लोग बाय नेम सर्च करते हैं फ्रेंड को, दूसरा उसके ईमेल आईडी से, तीसरा उसके पर्सनल नंबर से, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप जानते हो उसके बारे में सर्च में लिखोगे तो आपको आपको वो दोस्त मिल जाएगा, यही पर्सनल नंबर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका अकाउंट पर्सनल नंबर पर है, तो पर्सनल नंबर से फिर कार्रवाई भी पर्सनली पड़ती है। तो इसको सिक्योर करने के लिए आपने अपने फेसबुक के अकाउंट सेटिंग में जाके सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर टू वे हैंडशेक करनी है, सिंपल लिख दे ना ज्यादा करी, सारे डरते हैं पुलिस सब डर गए थे तो भी ठीक है जी। ये आपका पास जो ही आप एंटर करते हो, ईमेल ये डाला उसने और पासवर्ड ये डाला, हैकर के पास ये चीजें आपकी आ जाती हैं, वो अगला बंदा जो क्लिक ना करे हैकर बैठा रहता करेगा नहीं करता, फिर उसको कैंसिल करके दूसरे बंदे को भेजना शुरू कर देता, चल आ करेगा करेगा कोई ना भी कर देता है, खेलने के लिए किसी ना किसी के फेसबुक अकाउंट के साथ, और एक ऐसा मैसेज पोस्ट करता है कि वो सबको कह रहा था फिर पोस्ट करके कि यार मेरा अकाउंट हैक हो गया, कोई बंदा मेरे अकाउंट के अंदर ये कर रहा है तो ये मैं नहीं हूँ, वो कोई नहीं दिखा फिरता कि मैं ये नहीं।